भारत में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। कोरोना मरीजों की तादाद 1,95,00,000 को पार कर चुकी है। लाख कोशिशों के बाद भी रोजाना 4,00,000 से ज्यादा कोरोना मरीज डिटेक्ट हो रहे हैं। लोगों की मौत के आंकड़े बढ़कर 2,15,000 से ज्यादा हो चुके हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जिसने भारत को भीतर से झकझोर कर रख दिया है। अमेरिका भी भारत के हालात पर बेहद चिंता में है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर भारत को वैक्सीन बनाने में मदद से इनकार करने वाले अमेरिका का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ। भारत के कूटनीतिक चक्रव्यूह के आगे कैसे बाइडेन ने सरेंडर कर दिया। ब्रिटेन को भारत की मदद करने में गर्व का एहसास क्यों हो रहा है। भारत में कोरोना वायरस ने तबाही बरपाई हुई है। हेल्थ सिस्टम कोलैप्स दिख रहा है। कोरोना फैलने की रफ्तार पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है। लोग ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं। 500 रुपये में मिलने वाला ऑक्सीमीटर 2,500 रुपये में मिल रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स नहीं है। मेडिकल स्टाफ पर भयंकर ओवरलोड है। आलम यह रहा कि भारत 16 सालों से विदेशी देशों से मदद न लेने की जिस पॉलिसी का पालन करता आया है उसे तोड़कर दुनिया से मदद लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसे में भारत को अपना दोस्त बताने वाले अमेरिका को भारत की चिंता हो रही है। भारत को मदद देने के लिए अमेरिका इतना संजीदा है कि जनवरी से खाली चल रहे अमेरिकी राजदूत के तौर पर डेनियल स्मिथ की नियुक्ति कर दी ताकि दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाया जा सके। कोरोना महाविस्फोट से जूझ रहे भारत की मदद के लिए अमेरिका प्रशासन कोरोना को लेकर भारत के साथ 24 घंटे संपर्क में है। CNN की रिपोर्ट के अनुसार US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट यानी USAID ने बताया कि बाइडेन प्रशासन कोरोना का कहर झेल रहे भारत के साथ उनकी प्राथमिकताओं पर नॉनस्टॉप सलाह दे रहा है। कोरोना को लेकर USAID के सीनियर कंसल्टेंट कोऑर्डिनेटर जेरिम कोनाडायक ने बताया कि भारत को की जा रही आपूर्ति भेजी जा चुकी है और इससे दोनों देशों के बीच एक बहुत ही करीबी समन्वय भी स्थापित हुआ है। अमेरिका ने 2 ट्रांसपोर्ट विमान ऑक्सीजन सिलेंडर और रेगुलेटर रैपिड डायग्नोस्टिक किट N95 मास्क और पल्स ऑक्सीमीटर शुक्रवार को ही भारत भेजे थे। अमेरिका की वायुसेना का विमान C-5M सुपर गैलेक्सी और C-17 ग्लोब मास्टर 3 विमान कैलिफोर्निया में ट्रेविस एयर फोर्स बेस से उड़ा था। कल ही एक और जहाज ट्रेविस एयर फोर्स बेस से तीसरा शिपमेंट लेकर भारत के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज में PPE किट, ऑक्सीजन टेस्ट किट, मास्क के साथ कई अन्य महत्वपूर्ण मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं। कुछ जानकार बता रहे हैं कि अमेरिका का ये हृदय परिवर्तन पिछले हफ्ते ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टेलीफोन पर बातचीत के बाद हुआ है। बाइडेन ने कहा था कि भारत जरूरत के वक्त अमेरिकी लोगों के साथ था और भारत में अब तक के सबसे बुरे जन स्वास्थ्य संकट के समय अमेरिका उसके साथ खड़ा रहेगा। व्हाइट हाउस ने बाद में जारी एक बयान में बताया था कि वो भारत को दवाइयां, वेंटिलेटर और कोविशील्ड टीका बनाने के लिए जरूरी कच्चा माल समेत अन्य संसाधन उपलब्ध कराएंगे। आप ये सोच रहे होंगे कि एक दौर में भारत को कोरोना वैक्सीन बनाने के लिए रॉ मटेरियल देने से इनकार करने वाला अमेरिका अब सुधर गया है। वो भारत का सच्चा हितैषी हो चुका है। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए वो प्रायश्चित करने के लिए भारत की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता है। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि भारत की मदद के लिए अमेरिका की छटपटाहट के पीछे भारत की मदद के लिए आगे आने वाले देशों की लंबी चौड़ी फहरिस्त है। दुनिया में शायद ही ऐसे कोई देश है जो मदद करने की स्थिति में हो और उसने भारत को मदद का ऑफर खुद आगे बढ़कर न दिया हो। इस लिस्ट में रूस, फ्रांस, अर्जेंटीना, ईरान, चीन, पाकिस्तान, ताइवान, जापान, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और कई देश भी शामिल हैं। दरअसल भारत जान चुका है कि अमेरिका उसे कभी भी धोखा दे सकता है, लिहाजा उसने अपने बहुपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर फोकस किया। इसी के तहत भारत ने चीन को 40,000 ऑक्सीजन जनरेटर बनाने का ऑर्डर दिया है। भारत से मिले ऑर्डर को लेकर चीनी कंपनियां दिन रात काम कर रही हैं ताकि भारत को जल्द से जल्द ऑक्सीजन जनरेटर्स मिल सके। चीन की कंपनियां बहुत जल्द आपातकालीन मेडिकल सामानों की सप्लाई भारत को करने वाली है। दरअसल चीन की बढ़ती ताकत अमेरिका की रातों की नींद उड़ाए हुए है। दुनिया में रूस के अलावा चीन इकलौता ऐसा देश है जो अमेरिका को भी हर मायने में चुनौती देने का मादा रखता है। चीन को काबू में रखने के लिए अमेरिका ने क्वाड को खड़ा किया और भारत को साथ कर रखता है, लेकिन अमेरिका की रुख की वजह से भारत ने अब चीन की कंपनियों को मेडिकल सप्लाई का ठेका दे दिया है। चीन ने इसके लिए खुद आगे बढ़कर भारत को मदद की पेशकश कर दी थी। पिछले एक हफ्ते में चीन की कई बार भारत के सामने मदद की पेशकश कर चुका है। चीन के राष्ट्रपति ने तो PM मोदी को संदेश भेजा ही, इसके साथ ही चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने भी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात करते हुए भारत के साथ अपनी संवेदनाएं जताते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने भारत के विदेश मंत्री से कहा था कि चीन की कंपनियां भारत की मदद के लिए 24 घंटे काम करने के लिए तैयार हैं ताकि कोरोना के इस हालात में भारत की मदद की जा सके। अप्रैल महीने से चीन भारत को 5,000 वेंटिलेटर्स, 21,569 ऑक्सीजन जनरेटर्स,
21 मिलियन से ज्यादा मास्क और 3800 टन मेडिकल दवाओं की आपूर्ति कर चुका है। अमेरिका को भारत चीन का यही कोऑर्डिनेशन सशंकित किए हुए है। वो नहीं चाहता कि दोनों देश किसी भी मुद्दे पर कभी भी एक साथ आएं, वरना एशिया की दो महाशक्तियों के आगे अमेरिका भी बौना हो जाएगा। इतना ही नहीं, इसी हफ्ते भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की वर्चुअल मीटिंग होने वाली है। लेकिन उससे पहले रविवार को ब्रिटेन ने घोषणा की है कि भारत के अस्पतालों की मदद के लिए वो 1000 वेंटिलेटर्स और भेजेगा। ब्रिटेन ने कहा है कोरोना वायरस ने लड़ाई में वो भारत की हर संभव मदद करता रहेगा। इससे पहले पिछले हफ्ते ब्रिटेन ने भारत की इमरजेंसी आधार पर 200 वेंटिलेटर्स, 495 ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर्स और 3 ऑक्सीजन जनरेटर्स की सप्लाई की थी, और अब आने वाले वक्त में ब्रिटेन 1000 वेंटिलेटर्स और भारत भेजने वाला है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा कि मैं काफी गर्व महसूस कर रहा हूं कि ब्रिटेन के लोगों ने भारत के लिए मदद देने का फैसला किया है, और ब्रिटिश सरकार भी अपने तरीके से भारत की मदद कर रही है ताकि भारत में जिंदगियां बचाई जा सके। जरूरत के वक्त में ब्रिटेन हर समय भारत की मदद के लिए खड़ा रहेगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के अलावा ब्रिटेन के चीफ मेडिकल एडवाइजर क्रिस विटी और चीफ साइंटिफिक एडवाइजर पैट्रिक वेलेंस भी लगातार भारतीय रणनीतिकारों के संपर्क में हैं और लगातार कोविड-19 संकट से निपटने और कैसे जिंदगियों को बचाया जाए इसको लेकर सलाह मशवरा कर रहे हैं। इसके साथ ही ब्रिटेन के NHS ने खास तौर पर भारत के लिए मेडिकल एडवाइजरी ग्रुप भी बनाया है, जिसे इंग्लैंड के चीफ पीपल्स ऑफिसर प्रेरणा इस्सार लीड कर रही हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया ये ग्रुप डायरेक्ट भारत के एम्स जैसे संस्थानों से बात कर मदद मुहैया कराता है। इन देशों के अलावा ताइवान ने भी भारत की मदद के लिए लव फ्रॉम ताइवान नाम से मदद भेजी है, जिसमें ताइवान की तरफ से 150 ऑक्सीजन कॉन्स्ट्रक्टर और 500 ऑक्सीजन सिलेंडर नई दिल्ली भेजे हैं। कोरोना वायरस से जंग में वो पूरी तरह से भारत के साथ है और भारत की हर संभव मदद के लिए तैयार है। ताइवान से मदद मिलने के बाद दोनों पक्षों की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि ये दुनिया के लिए एक स्टेटमेंट है कि दोनों देश और दोनों देशों की अलग अलग एजेंसियां साथ मिलकर काम कर रही हैं। वहीं ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग विन ने पिछले हफ्ते भारत को कोरोना संकट के दौर में सहयोग और एकजुटता का संदेश दिया था। ताइवान के संदेश में लिखे गए शब्द ये दुनिया के लिए एक स्टेटमेंट है, इशारा है अमेरिका जैसे उन मुल्कों के लिए भी जो बुरे दौर से गुजर रहे भारत की दोस्ती के नाम पर छुरा घोंपने की फिराक में है, और इस स्टेटमेंट को अमेरिका भी बखूबी समझता है। जानकार इन्हीं सब कारणों को अमेरिका जैसे मटेरियलिस्टिक देश का भारत के प्रति बढ़ते प्रेम का कारण मान रहे हैं। अमेरिका नहीं चाहता कि मुश्किल की घड़ी में भारत के साथ प्रगाढ़ता का सपना देखने वाले देशों का ये ख्वाब हकीकत में तब्दील हो। अगर ऐसा हुआ तो एशिया में चीन को काबू में रखने की ताकत रखने वाला भारत उसके हाथ से फिसल जाएगा। भारत आने वाले वक्त की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, अमेरिका उससे बैर हरगिज नहीं चाहता। दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक बाजारों में से एक भारत अमेरिका को अपना माल खपाने का सबसे आसान जरिया लगता है। भारत को कहीं और से भी मदद मिलने पर अमेरिका अपने मेडिकल प्रोडक्ट्स भारत को कैसे बेचेगा? बाइडेन की चहेती कंपनी फाइजर के टीके भारत में कैसे बिक सकेंगे? दरअसल भारत में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पूरी दुनिया को कारोबार के लिहाज से भी बेहद रास आ रही है, लेकिन अमेरिका और दूसरे मददगार मुल्कों में फर्क बस इतना है कि अगर चीन जैसे देश से भारत मदद ले रहा है तो भारत और चीन दोनों ये जानते हैं कि रिश्ता व्यापारिक ही है। भारत चीन से मदद नहीं ले रहा बल्कि सामान खरीद रहा है। ताइवान भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश को साधना चाह रहा है ताकि वैश्विक मंच पर उसकी संप्रभुता के दावे को वक्त पड़ने पर भारत मदद कर सके और राष्ट्र के तौर पर ताइवान की स्वीकार्यता पर मजबूत मोहर लग सके, जबकि अमेरिका भारत को मित्र भी बताता है, वक्त पर साथ देने से इनकार भी कर देता है। अमेरिका की यही फितरत भारत भी समझ चुका है और आगे से हर कदम फूंक फूंक कर उठा रहा है।